नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रद्धा वारकर हत्याकांड में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जंगल में मिली हड्डियों का पिता के डीएनए से हुआ मिलान। पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका। अदालत ने 10 साल की सजा और 5 लाख का लगाया जुर्माना। पीएम और सीएम योगी ने सरदार पटेल के पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि का स्वतंत्रता और संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान। टैंकर के जरिए फ्रांस से भारत पहुंची राफेल विमान की अंतिम खेप। भारतीय वायुसेना ने 36 विमानों की डील की दी जानकारी। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 39 लोगों की गई जान। पीएचसी के डॉक्टर ने की 47 मरीज भर्ती होने की पुष्टि। बिहार में जहरीली शराब के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में कहा सुनी। सीएम नीतीश बोले जो पिएगा वो मरेगा। भाजपा ने मांगा इस्तीफा। सीएम नीतीश बोले विपक्षी बताएं अपने शासन वाले राज्यों का हाल। बिहार में सबकी सहमति से लागू किया गया शराबबंदी कानून। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश की बोलती की बंद का सबको पता है और सत्ता के संरक्षण में ही हुआ नरसंहार। सदन में गूंजा बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा। भारी हंगामे के चलते राज्यसभा कई बार स्थगित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग मुद्दे पर केंद्र पर बोला हमला का। मोदी सरकार की लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस ने पीएम पर साधा निशाना। पवन खेड़ा बोले चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। तवांग में विवाद के बाद वायरल हो रहा मुलायम सिंह यादव का बयान। कहा था चीन दुनिया का सबसे धोखेबाज देश, रहना होगा सतर्क। तवांग मुद्दे पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे कई सवाल। का अरुणाचल से लद्दाख तक हालत गंभीर, सच क्यों छिपा रही सरकार। 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल पदार्थों पर नहीं घटाया वैट, इसलिए वहां महंगा है ईंधन। पुरी ने संसद में दी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को दी नसीहत। का बेघर लोगों के विषय पर राज्यों से चर्चा करें मंत्री। भगदड़ मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। शुभेंदु के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका की खारिज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन पर किया गया पथराव। खिड़की का शीशा टूटा। 4 दिन पहले शुरू हुई थी ट्रेन। मुकार गंगेश्वर विकास लगरपुरिया दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। 30 करोड़ की चोरी का है मास्टरमाइंड। 7 वर्ष से था फरार। ब्रिटेन में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की याचिका खारिज। भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता हुआ साफ। गाजियाबाद में रेल पटरी पर रील बनाते वक्त आई पद्मावत एक्सप्रेस चपेट में आने से एक युवती और 2 युवकों की गई जान। कोरियोग्राफर फराह खान के पति शिरीष कुंदर की बड़ी मुश्किलें। सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को बड़ी राहत। INS विक्रांत फंड हेराफेरी मामले में मिली क्लीन चिट। भ्रष्टाचार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने की टिप्पणी। कहा लोक सेवकों को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अनिवार्य नहीं। गोधरा ट्रेन अग्निकांड में दोषी फारूक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। 17 साल से जेल में था बंद। 59 लोगों की गई थी जान। स्वाति मालीवाल ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को जारी किया नोटिस। दिल्ली महिला आयोग ने तेजाब बेचने को लेकर मांगा जवाब। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास करेंगी भारत और नेपाल की सेनाएं। संबंध और मजबूत करने के लिए 16 दिसंबर से शुरू होगा सूर्य किरण। शरद पवार को धमकी मामले में गिरफ्तार युवक का खुलासा। बोला NCP कार्यकर्ता के साथ पत्नी के भागने पर उठाया कदम। संपत्ति हस्तांतरण को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। का बच्चों को एक बार संपत्ति देकर वापस नहीं ले सकते अभिभावक। TRS सांसद ने देश में एक साथ चुनाव कराने की उठाई मांग। प्रभाकर रेड्डी बोले बार बार चुनाव से सरकारी खजाने पर पड़ता है बोझ। राज्यसभा सदस्यों ने ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों पर जताई गहरी चिंता। चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग। रोजगार मेले के जरिए 1,47,000 लोगों की हुई नई नियुक्तियां। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी जानकारी। राफेल जेट में लगाए जाएंगे दसाल्ट। रिलायंस के संयंत्र में बने 5 पुर्जे। 2 फ्रांसीसी कंपनियों ने एयर लिक्विड का दौरा करने के बाद की घोषणा। चुनावी बांड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई। जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सचिन पायलट और गहलोत की तनातनी पर जयराम रमेश ने किया दावा। बोले सब इकट्ठे चल रहे हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। खेलो इंडिया योजना के तहत 2,841 खिलाड़ियों को दी गई सहायता। अनुराग ठाकुर बोले अन्य योजनाओं से 8,968 खिलाड़ियों को मिली मदद। 5 वर्षों में भारत ने 19 देशों के 170 उपग्रहों का किया प्रक्षेपण। जितेंद्र सिंह बोले 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा। गुजरात में पूर्व मंत्री शंकर चौधरी का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय। उपाध्यक्ष पद के लिए जेठा भाई बारवाड़ को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। साइबर हमले समेत विभिन्न खतरों से सुरक्षित हैं देश के परमाणु संयंत्र। मोदी सरकार ने संसद में देशवासियों को दिया आश्वासन। सिंधिया ने मुंबई सैन फ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया को दिखाई हरी झंडी। बोले अंतिम छोर तक हवाई संपर्क पहुंचाएगी केंद्र सरकार। देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायाधीशों की कमी को बताया बड़ा कारण।
नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका के न्यायाधीश और अच्छा नेतृत्व के साथ की चर्चा। आर हरि कुमार और रानिल विक्रम सिंधे ने सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। अगले साल 6 जनवरी को होगी नवनिर्वाचित एमसीडी की पहली बैठक। उपराज्यपाल सक्सेना ने बैठक कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। चंदौसी रेलवे स्टेशन अधीक्षक पर चीफ पार्सल सुपरवाइजर ने लगाया आरोप। बोली अकेले में ऑफिस आने का दबाव डालते हैं आशीष मिश्रा। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस से की मुलाकात। भारत की G20 अध्यक्षता में मिलकर काम करने पर हुई चर्चा। 2017 से 2021 के बीच दहेज की वजह से 35,493 की गई जान। उत्तर प्रदेश में हर दिन दहेज से सर्वाधिक 6 मौत की आई खबर। 878 अंक लुढ़ककर 61,799 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 245 अंक की गिरावट के साथ 18,414 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। पहले टेस्ट में 404 रन बनाकर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। अश्विन और कुलदीप यादव ने की शानदार बल्लेबाजी। जवाब में स्टंप तक बांग्लादेश ने 8 विकेट पर बनाए 133 रन। कुलदीप ने 4 और सिराज ने 3 खिलाड़ियों को किया आउट। केन विलियमसन ने छोड़ी न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कप्तानी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में सऊदी बने कप्तान। फीफा सेमीफाइनल में टीम की हार से बौखलाए मोरक्को के फैंस। बेल्जियम फ्रांस में जमकर मचाया उत्पात। भारी पुलिस बल तैनात। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।